गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास है आपकी 9th इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, ठीक है। दोनों के लिए जो ये क्लास, जो आज की क्लास है, जो आज का चैप्टर है, वो दोनों क्लास के लिए है। 9th इंग्लिश मीडियम और 9th हिंदी मीडियम के लिए आपकी जो बुक है वो एक ही लग रही है आपको, है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपकी बुक में, ठीक है। आज का जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है, विषय है आपका हिंदी, सबसे पहली चीज, कक्षा है आपकी 9, विषय है आपका हिंदी, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपकी पाठ्य पुस्तक का पद खंड का पार्ट 3, जिसका नाम है सवई, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लास है आपकी 9, विषय है आपका हिंदी, क्या और पाठ है आपका 3, पद खंड से लिया गया है और जिसका नाम है सवई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इससे कवि कौन है, जो क्योंकि ये पद खंड का पाठ है, जब पद खंड के पाठ को हम पढ़ते हैं तो पद खंड में अधिकतर कविताएं होती हैं, दोहे होते हैं, सवैये होते हैं, मतलब पदखंड में संग्रह ही इन्हीं चीजों का होता है, कविताओं का संग्रह होता है। यहाँ पर जब हम पदखंड पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी जो है वो निबंध, कहानी, ये चीजें नहीं मिलेंगी, क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पर 3 चीजें लिखी है, पहला आपका जो पाठ का नाम लिखा है, दूसरा पदखंड डाला है और तीसरा रस खान जी लिखा है, इसके लिए चाहिए। अभी क्यों मैम, हमने आपको बार बार बताया कि आप जब भी पाठ को, किसी नए पाठ को आप शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उस पाठ के क्या करने हैं, कवि का नाम याद रखना है, उस पाठ का नाम आपको याद रखना है ना, और वो किस खंड से लिया गया है ये भी याद रखना है, और वो कौन सी विधा है, वो कौन सी विधा है आपको ये भी याद रखना है। अब यदि हम चैप्टर की स्टार्टिंग छोड़ देंगे, मान लो हम चैप्टर की शुरुआत में नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, ये चीजें हम भूल जाएंगे पढ़ना, और इससे क्या होगा, अगर हमारे प्रश्न पत्र में, मतलब क्वेश्चन पेपर में हमारे इस तरह का प्रश्न आ गया कि सवैये जो नामक रचना है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसके कवि का नाम बताइए, तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमने वो पढ़ा ही नहीं, और हम बाद में क्या कहेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, मतलब ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था। तो ऐसा कोई भी प्रश्न बेटा आपके सिलेबस से बाहर का नहीं आता है, सारा कुछ जो है वो आपके सिलेबस से ही क्या होता है, सिलेबस से ही आता है ना। तो हमें कुछ चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, यदि हम हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो कभी भी हिंदी और इंग्लिश में आप चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो क्या बनते हैं, चैप्टर के बीच में से बनते हैं, मतलब कोई कहानी होगी, किसी का नाम हो गया, नायक और नायिका होगी, कौन उसका प्रमुख पात्र है, इस तरह के प्रश्न जो हमें एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो हमने यहाँ पे 2 चीजें लिखी है, सवैये और स्थान, इनसे क्या प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न यही बन सकता है कि रस खान जी का की कोई प्रमुख रचना लिखो, रस खान जी का कोई प्रमुख रचना लिखो, रस खान के सवैये नाम से जो प्रसिद्ध रचना है, इसका उत्तर हम लिख देंगे कि सवैये रस खान जी की प्रमुख रचना है, क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन बन जाता है कि सवैये नामक जो रचना है आपके पद खंड में, है ना, सवैये नामक रचना जो है आपके पद खंड में, रचनाकार कौन है, उसके कवि कौन है, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि उसके कवि कौन है, रस खान जी जो है, वो सवैये नामक जो पाठ है, सवैये नामक जो पदखंड में हमारे पाठ है, उसकी जो कवि है, ठीक है। अगर आता है कि आप जो पढ़ रहे हैं सवैये नामक पाठ, वो किस खंड से लिया गया है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि आपके 3 खंड दिए गए हैं इस बार पाठ्य पुस्तक में, पहला है गद्य खंड, दूसरा है पद्य खंड, तीसरा है सहायक वाचक। तो गद्य खंड को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो तीसरा पाठ आज हम कर रहे हैं, तो हम तुरंत इसका उत्तर बता सकते हैं कि सवैये नामक जो रचना है, जो पाठ है, वो हमारे बुक के पद्य खंड से ली गई है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारे इसके क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह जैसे हमने आपको सभी पाठ में लगभग बताया है कि आपको क्या करना है, आपको कुछ होमवर्क करना होता है चैप्टर से रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर तो हम कराएंगे, एक्सरसाइज भी हम कराएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बुक में पहले से दी गई हैं, आपको क्या करना है, आपको उनको अपनी कॉपी में नोट करना है। बार बार बताया जा रहा है कि कॉपी भी आपको कंप्लीट करनी है, अपनी कॉपी बनानी है, A4 साइज का आपको रजिस्टर लेना है 400 पेज का, और उसमें आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है, कवर करना है, कवर चढ़ाना है अच्छे से, क्योंकि उसमें भी आपको मार्क्स दिए जाए, क्लियर। तो ये हो गया आपका, हमने आपको बताया कि अब आपको क्या कार्य करना है, क्या काम ऐसा करना है, तो सबसे पहले यहाँ गृह कार्य लिखा है, मतलब ये आपका
नोट करना, ठीक है भैया।